हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं या फिर छोटे क्रिएटर्स हैं जो जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं, वो यही सोचते थे कि जो शॉर्ट्स है उसे यूट्यूब से हटा देना चाहिए, नहीं डायरेक्ट इसे यूट्यूब पे रखना ही नहीं चाहिए, यूट्यूब के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन बना देना चाहिए जिससे जो शॉर्ट्स क्रिएटर है वो इस पे जाए और अपना वो शॉर्ट वीडियो बनाते रहे। लेकिन भैया, यूट्यूब ने यही किया है, शॉर्ट्स को अलग ही कर दिया है यूट्यूब से। अच्छा जी हाँ गाइस, शॉर्ट्स को अलग कर दिया है यूट्यूब ने और ये एक ब्रेकिंग अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट्स वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं, लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, उसके साथ ही साथ हम अपने चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो होता यह है, जब भी हम इन तीनों चीज़ों को करते हैं तो सारा का सारा वीडियो समय एक ही जगह दिखाई देता है। हालांकि अभी भी शॉर्ट्स सेक्शन अलग है, उसमें हम जाएंगे तो सिर्फ हमें उसमें शॉर्ट्स वीडियो देखने को ही मिलता है। लेकिन हम अपने YouTube को जब डेस्कटॉप मोड में ओपन करते हैं और वीडियो वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे हमें लॉन्ग वीडियो, लाइव वीडियो और शॉर्ट वीडियो तीनों ही वीडियोस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कचरा टाइप के दिखाई देता है कि इसके चैनल पे कुछ कचरा फैला हुआ है, जो कंटेंट है वो एक्चुअल उभर के नहीं आता, हाईलाइट नहीं हो पाता है। तो इसी को देखते हुए यूट्यूब ने क्या किया है, लॉन्ग वीडियो के लिए अलग सेक्शन बना दिया गया है, शॉर्ट वीडियो के लिए अलग सेक्शन बना दिया गया है, उसके साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम के लिए भी अलग सेक्शन बना दिया गया है। अब अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को चाहे डेस्कटॉप में ओपन करो या फिर मोबाइल में ओपन करो, आपको सिर्फ लॉन्ग वीडियो दिखाई देगा लॉन्ग वाले सेक्शन पे, शॉर्ट वाले वीडियो दिखाई देगा आपको सिर्फ शॉर्ट वाले सेक्शन पे, और लाइव स्ट्रीम आपको दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीम वाले सेक्शन पे। अब यूं समझ सकते हो, जिस तरह से हमें टैब मिलता है ना ऊपर में वीडियोस का, प्लेलिस्ट का, उसके साथ चैनल्स के ऐड करने का, अबाउट सेक्शन का, उसी तरीके से आपको तीन ऑप्शन दिया जाएगा। एक रहेगा आपका लाइव स्ट्रीम का, एक रहेगा आपका शॉर्ट्स वीडियो का और एक रहेगा आपके लॉन्ग वीडियो का। और इन तीनों चीज़ों पे जा करके आप सर्च भी मार सकते हो। आप चाहो तो शॉर्ट्स को सिर्फ शॉर्ट्स में सर्च मार सकते हो, लाइव स्ट्रीम में सिर्फ लाइव स्ट्रीम ही सर्च मार सकते हो, और लॉन्ग वीडियो को तो बात ही मत करो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये अपडेट के बारे में सुन के। बाकी देखते हैं यूट्यूब इस अपडेट को कब लेके आता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आखिरकार ये अपडेट आप सब लोगों को कैसा लगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा, नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार होते चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।